एस्ट्रोलॉजी सिंप्लीफाइड में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे कि आप अपनी कुंडली में किस तरह से देख सकते हैं कि दूसरी मैरिज को कैसा देखते हैं, और जो अंतर जातीय विवाह होता है उसको कैसा देखते हैं, कौन से ग्रह कारक हैं जो पुरुष के कुंडली में होते हैं और स्त्री के कुंडली में होते हैं। तो जो भी आज हम जो चर्चा कर रहे हैं कि दूसरी मैरिज को कैसा देखें, साथ साथ में अंतर जातीय विवाह को किस तरह से देखा जा सकता है, उसकी संक्षिप्त जानकारी देने का प्रयास करेंगे। आप अपनी कुंडलियां हैं वो देखिए। यहाँ पे हम जस्ट रेफरेंस के लिए ये कुंडली ले रहे हैं। यहाँ पे जो ग्रह बैठे हैं, जो भाव में बैठे हैं, उससे कुछ सिर्फ आपको दर्शाने के लिए हम यहाँ पे बात करेंगे, उनका यहाँ कोई महत्व नहीं है। तो आप देखें कि जब भी हम बात करेंगे तो मैरिज के बारे में, तो हमारे मन में जो आएगा वो पहला ये है कि आपका लग्नेश, जो आप स्वयं व्यक्तित्व हैं, वो देखेंगे, वो अच्छी स्थिति में होना चाहिए। लग्न का आपके व्यक्तित्व से संबंध है। और जब शादी की बात करेंगे तो हमको जरूर ये सातवां भाव को ही देखना है, क्या सातवां भाव ही जो है वो जो भी है जातक और जातिका, उनका सातवां भाव जो है वो मैरिज का भाव रहता है। वैवाहिक सुख को यहीं से देखा जाता है। वो अगर आपकी सेकंड मैरिज है तो भी विवाह का जो सुख है या विवाह के जो कर्तत्व है, शुक्र जो पुरुष के लिए है और गुरु है जो स्त्री के लिए है, तो उनके कर्तत्व को देखेंगे, सप्तम भाव को देखेंगे, सप्तम भाव के स्वामी को देखेंगे। तो ये आपका इंडिकेट करेगा, जो प्रतिनिधित्व करेगा वो वैवाहिक सुख के लिए। अब जहाँ तक हमारे प्रेम विवाह के लिए हमें बात करते हैं, तो पांचवा भाव जो है प्रेम के बारे में बताता है, और सातवां भाव है शादी के बारे में। इन दोनों का अगर संबंध बनता है तो प्रेम विवाह में परिवर्तित होता है। इसके साथ साथ में हम जो लग्न से नवम भाव जो बनता है वो आपको दूसरी मैरिज के लिए देखा जाता है। तो जब भी दूसरी मैरिज की बात आएगी तो हमको नवम भाव को देखना पड़ेगा, और साथ साथ में सातवां भाव जो कि हमने पहले ही बताया, सातवां भाव का साथ साथ में जो स्त्री जातक है उसके लिए गुरु और पुरुष जातक के लिए आपको शुक्र को देखना होगा। तो सेकंड मैरिज में भी सातवें भाव का महत्वपूर्ण योगदान रहेगा, क्योंकि वो उसका जीवन साथी का रहेगा। तो पहला जो सातवां भाव रहता है उसको हम देखेंगे पहली मैरिज के लिए, और उसके बाद में दूसरी मैरिज के लिए हमको नवा भाव देखना पड़ेगा, नवा भाव के स्वामी को देखना पड़ेगा। तो इस तरह से दूसरी मैरिज के लिए हमको नवा भाव से देखना चाहिए। तो आज हम बात कर रहे हैं कि अंतर जातीय विवाह मान लो है, तो आप अंतर जातीय विवाह के लिए आपको जो है जो ग्रह है और राहु केतु और शनि, ये जो ग्रह होते हैं, ये इनका काम है कि आपको दूसरी जाति में विवाह का वो इंडिकेशन देते हैं जब इनका प्रभाव होगा। तो इसके लिए कैसे देखेंगे कि जब भी हमने बताया कि शुक्र के लिए हस्बैंड की कुंडली में शुक्र विवाह का कारक है, और जो जातिका है उसकी कुंडली में गुरु है, वो ग्रह है, वो आपके हस्बैंड का कारक बनता है। तो अब हम देखेंगे कि शनि राहु और केतु, ये जो प्लेनेट है वो सेपरेटिव इन्फ्लुएंस देते हैं चार्ट में, जब भी वो जहाँ बैठते हैं वहाँ पे सेपरेशन का काम करते हैं, और यही एलिमेंट है जो कि आपको दूसरी फॉरेन एलिमेंट है वो, इसके लिए हम जिस जो चीज़ देख रहे हैं वो यहीं से देखते हैं। तो जो इसके प्रिंसिपल हैं, कॉम्बिनेशंस हैं, उसको देखेंगे। पहले तो क्या देखेंगे कि जब भी अगर जातक है, जो पुरुष जातक है उसकी कुंडली में अगर शुक्र ग्रह, जो अभी जो सेपरेटिव प्लेनेट बताया हमने राहु केतु और शनि से, अगर वो प्रभावित हैं
तो आप मान के चलिए कि इनका सेपरेशन काम करेंगे ये, तो ये फिफ्थ हाउस सेवंथ हाउस भी अगर अगर शनि से प्रभावित होंगे तो भी ये दिखाएंगे कि इंटर रिलीजन मैरिज, जैसे कि यहाँ देख रहे हैं कि शनि यहाँ बैठा हुआ है पंचम भाव में, तो पंचम भाव को प्रभावित कर रहा है, वहां से तीसरी दृष्टि से वो सप्तम भाव को दर्शा रहा है, तो ये इंडिकेट करता है इंटर कास्ट मैरिज के बारे में इंडिकेशन देता है। तो इसमें ये आपने देखा कि पांचवा भाव भी है और तीसरी दृष्टि से वो सातवें भाव को भी वो कर रहा है, तो ये एक रूल हो गया कि जब भी पांचवा सातवां भाव शनि से प्रभावित होगा तो वो दूसरे कास्ट में मैरिज का योग बना देता है। फिर हम देखेंगे कि नाइन्थ हाउस जो हमारा धर्म का भाव है, तो धर्म के भाव पे भी अगर इन ग्रहों का प्रभाव आएगा राहु केतु शनि का, तो भी ये दूसरे धर्म में शादी का इंडिकेशन दिखाता है। तो आज हमने देखा कि किस तरह से अगर आप यहाँ देख रहे हैं कि सप्तम भाव पे भी राहु केतु का प्रभाव आ रहा है, तो ये भी इंडिकेट करता है कि आपके दूसरी कास्ट में मैरिज होने के चांस बना देता है। तो आज संक्षिप्त जानकारी हमने प्रयास की कि किस तरह से आपका लव मैरिज है, तो पांचवा भाव और सातवें भाव का संबंध देखेंगे, अगर दूसरी मैरिज का देखने का अगर आपका आपकी कुंडली में देखना होगा तो आपको नवम भाव को देखना पड़ेगा, नवम भाव के स्वामी को देखना पड़ेगा। और जब भी इस तरह से हम देखेंगे और इनका प्रभाव देखेंगे तो सेकंड मैरिज के लिए नवा भाव हो गया, नवम भाव का स्वामी से, तो आपका नवम भाव का स्वामी की स्थिति जैसे यहाँ पे देख रहे हैं कि वो शनि बना रहा है, तो ये दूसरी कास्ट में मैरिज बता रहा है, और जो आपका दूसरे धर्म में मैरिज का कारक भी बन रहा है। और राहु का भी प्रभाव यहाँ से देखेंगे तो वो पंचम भाव पे आ रहा है, सातवें भाव पे भी आ रहा है, नवम भाव पे भी आ रहा है, तो शनि राहु का ये प्रभाव हमारे मैरिज वाले भावों पे हो रहा है, प्रेम का और जो मैरिज का जो चलना रहता है वो सप्तम भाव से देखते हैं और नवम भाव पे भी इसका प्रभाव आ रहा है, तो ये इंटर कास्ट मैरिज का योग बना रहा है। इसी तरह से शुक्र और बृहस्पति पे भी ऐसे संबंध बनेंगे तो भी वो इंटरकास्ट मैरिज का योग बना देते हैं। तो हमने देखा आज सरल तरीके से जानने का प्रयत्न किया कि दूसरी शादी को कैसे देखते हैं, कौन कौन से भावों के बारे में बात की, वो भावों को देखा जाता है, कौन से ग्रह हैं उनको देखा जाता है, फिर सेपरेटिव प्लेनेट के बारे में बात की वो देखा जाता है, और विशेषकर सातवां भाव है वैवाहिक जीवन को ही दर्शाता है, इसलिए सेकंड मैरिज में भी सप्तम भाव का भी विशेष रोल रहता है, क्यों और साथ साथ में जो कारक ग्रह हैं बृहस्पति और गुरु उनका अच्छा रोल रहता है, तो सेकंड मैरिज के लिए भी वही देखा है। तो अगर सेकंड मैरिज करना है, अगर ये सेपरेटिव प्लेनेट का प्रभाव आ रहा है तो दूसरी मैरिज होगी, और शुक्र और जो है जातक जो भी जातक है उसका शुक्र अगर कुंडली में शुभ प्रभाव में होगा तो दूसरी मैरिज भी चलेगी, और अगर गुरु अगर अच्छे प्रभाव में होगा तो जातक की दूसरी मैरिज भी अच्छी चलेगी, तो शुक्र और गुरु का अच्छा होना कुंडलियों में विशेष योगदान देता है, जो दूसरी मैरिज के लिए भी हेल्पफुल रहता है। और जो बेसिक सुख है वो सप्तम भाव से ही देखा जाता है, तो सप्तम भाव में अच्छे प्रभाव होना चाहिए, सप्तम भाव पे अगर राहु केतु का प्रभाव है तो ये अलगाववादी सेपरेटिव प्लेनेट है, परंतु शुभ ग्रहों की अगर साथ में दृष्टि वगैरह बनती है और सप्तम भाव अच्छा रहता है तो दूसरी मैरिज भी आपकी चल सकती है। तो ये देखा आपने किस तरह से आप अपने कुंडलियों में अपने लग्न को देखिए, लग्न के स्वामी को देखिए, वो अगर कुंडली में अच्छी स्थिति में नहीं है और सप्तम भाव पे भी अच्छे इफेक्ट नहीं है और वहाँ पे भी पापी ग्रहों का ज्यादा प्रभाव है, शुभ ग्रहों का प्रभाव नहीं है, तो पहली मैरिज का ब्रेकअप होना और तलाक होना तय हो जाता है,
क्योंकि सप्तम भाव का स्वामी अगर 6, 8, 12 में चला जाता है वो अच्छी स्थिति नहीं कराती है, और उस पर सेपरेटिव प्लेनेट का प्रभाव है, शुभ ग्रहों का प्रभाव नहीं है, तो वो मैरिज नहीं चलती है। तो उसके बाद में जब दूसरी मैरिज करने जाएंगे तो हमको देखना पड़ेगा नवो भाव के स्वामी की स्थिति, उन पे शुभ ग्रहों का प्रभाव होगा, और उसके बाद में जो कारक हैं बृहस्पति और गुरु अच्छे पोजिशन में होंगे तो सेकंड मैरिज जो है वो भी ठीक से चलने के योग बना देते हैं। तो व्याहविक सुख का जो इफेक्ट है वो तो सप्तम भाव से ही देखा जाएगा, और सेकंड मैरिज के लिए आपको नवम भाव को देखा जाएगा। तो आपको क्या करना है, जब भी अगर जो ग्रह सेपरेटिव इफेक्ट डालते हैं राहु केतु शनि, तो इनके मंत्रों के जाप करना चाहिए, 100 बार करना चाहिए, प्रतिदिन करना चाहिए। आपको अपने डेली दिनचर्या में तो सूर्य जी की आराधना करना चाहिए, हनुमान चालीसा पढ़ना चाहिए, शुक्र और बृहस्पति को ठीक करने के लिए शुक्र के और बृहस्पति के मंत्रों के जाप करना चाहिए, शुक्र के लिए स्त्री जाति से अच्छे संबंध रखना चाहिए, मतलब उनके अच्छा बर्ताव रखना चाहिए, और बृहस्पति के लिए अपने बुजुर्ग लोगों का आशीर्वाद लेना चाहिए, गुरु जैसे लोगों का आशीर्वाद लेना चाहिए, जिससे कि गुरु ग्रह मजबूत होता रहे। अपने जो भी पंचम भाव में इष्ट बनते हैं उनकी आराधना करना चाहिए, साथ साथ में लग्न का जो भी आपका स्वामी बनता हो मुख्य ग्रह, उसको भी मजबूत करने के लिए उसके मंत्रों के जाप करना चाहिए। तो इस तरह से अगर आप करेंगे और अच्छे से विद्वान ज्योतिषी से अपनी का कुंडली का विश्लेषण करवा के ही आप देखें कि सेकंड मैरिज किस तरह से चल सकती है, उसका देखने का योग उनको उनसे राय लेके ही आप दूसरी मैरिज में जाइए, जिससे कि आपके दूसरी मैरिज अच्छे से चल सके। और ये छोटे छोटे से उपाय हैं, शिव जी की आराधना करना चाहिए, शिव जी को जल चढ़ाइए, दुर्गा जी की आराधना कीजिए, जिससे कि और उनसे सबसे प्रार्थना कीजिए, देवी देवताओं से अपने कुल देवता से कि हमारी जो मैरिज है वो अच्छी चले। तो आपने ये सरल तरीके से जाना कि किस तरह से आप इंटरकास्ट मैरिज और सेकंड मैरिज को किस तरह से देख सकते हैं, और कौन से हमने बताया कि सप्तम भाव ये बेसिक है मैरिज का भाव है, तो उसको आप भी उसको कैसे देखा जाए वो बताया। तो आपको हमारे वीडियो पसंद आ रहे हो तो हमारे चैनल एस्ट्रॉ सिंप्लीफाइड को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आप टेलीफोन से परामर्श अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। आपने हमारा वीडियो देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।